जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा समाप्त हो चुकी है एंड आई होप डेट यू ऑल डिड वेल इन योर एग्ज़ामिनेशन। लेकिन अब समय आ चुका है कि हम टर्म टू की तैयारी में लग जाएं, जो कि मार्च और अप्रैल के महीने में होने वाला है। और इस टाइम जो एग्ज़ाम होगा टर्म टू का, ये डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होगा। डिस्क्रिप्टिव बेस्ड यानी कि आपका पेन पेपर टेस्ट होगा, जैसे कि कोविड के पहले हुआ करता था। और हर एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो अब होने वाला है 2 घंटे का हर सब्जेक्ट के लिए। अगर किसी कारणवश ये एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन कंडक्ट नहीं हो पाता है, तो सीबीएसई ने जैसे अभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, जैसे कि एमसीक्यू बेस्ड, तो फिर उसी फॉर्मेट में एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा। लेकिन चांसेस ज़्यादा यही है कि पेन पेपर टेस्ट होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव वे में होगा। आपको आंसर शीट दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको सॉल्व करके आंसर्स को लिखने होंगे। और हर पेपर का जो टाइमिंग है वो रहेगा 2 घंटे का। और जैसा कि हमने देखा था कि टर्म वन एग्ज़ामिनेशन में हमारे कुछ सिलेबस कंप्लीट हो चुके थे, कुछ मैथमेटिक्स के कुछ पार्ट्स पहले ही कंप्लीट हो चुके थे, जैसे कि रियल नंबर्स था, पॉलिनोमियल्स था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, ट्रायंगल्स था, और साथ ही साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था प्रोबेबिलिटी। अब जो टर्म टू का एग्जामिनेशन होगा, इसमें सिलेबस को 4-5 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो अलजेब्रा का सेक्शन है, जो कि 10 मार्क्स का आने वाला है, तो अलजेब्रा के सेक्शंस में हमारे 2 चैप्टर आएंगे। एक आएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो दूसरा चैप्टर आने वाला है ये हमारा आने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, और साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, इसके रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हमने एक इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम पढ़ने वाले हैं, और रिलेशनशिप्स, उनके रूट्स के बीच के रिलेशनशिप्स को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में। और जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है, ये एक नंबर सीरीज का चैप्टर है, ये बहुत ही एक आसान चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग इसमें किया जा सकता है। तो जो नंबर सिस्टम है, इसमें हम इस चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये जो अलजेब्रा का है। अब जो हमारा सेकंड सेक्शन है, ये है ज्योमेट्री का सेक्शन। अब ज्योमेट्री का सेक्शन में हमारा 2 चैप्टर फॉल करते हैं, और जो हमारा ज्योमेट्री का जो सेक्शन है वो आएगा 9 मार्क्स का। तो इसमें देखिए कौन कौन से चैप्टर फॉल करते हैं। पहले तो सबसे पहला चैप्टर जो फॉल करता है, ये सर्कल का फॉल करता है। सर्कल के बारे में हमने टर्म वन में भी पढ़ चुका था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में, लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली जो सर्कल में इस बार हम लोग जो डील करेंगे, वो हम लोग करेंगे टेंजेंट के साथ डील, ठीक है। तो ये भी एक आसान चैप्टर है। और कंस्ट्रक्शन चैप्टर तो बहुत ही आसान है, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ टेंजेंट ऑफ द सर्कल के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कि सर्कल में टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है। और जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से इस बार ये 7 नंबर का आएगा। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री का है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम रियल लाइफ एग्जांपल्स का यूज़ करने वाले हैं। और इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग हाइट या फिर डिस्टेंस उसके थ्रू कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के थ्रू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा जो यूनिट है मेंसुरेशन का जो हमारा यूनिट है, ये है 6 नंबर का। बहुत ही ईजी चैप्टर होता है मेंसुरेशन का, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही ईजिली तरीके से ये बन जाता है। तो खासकर मेंसुरेशन के चैप्टर को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मेंसुरेशन के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में, ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर और हेमिस्फीयर। इसका फार्मूला आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका होगा क्लास नाइन्थ के क्लासेस में। अब साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर भी ये सब चीज़ पढ़ने वाले हैं, और कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो कि बहुत ही इजीली क्वेश्चंस रहते हैं और वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल ये जो मेंसुरेशन का जो चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये एक बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इसमें अच्छे से स्कोर किया जा सकता है। अब ये जो हमारा जो लास्ट सेक्शन है, इसमें हमारा बसता है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी तो हमने टर्म 1 में ही कर चुका था, अब यहाँ पर जो हम लोग करने वाले हैं ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में करने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डेटा के बारे में पढ़ेंगे और उस डेटा का एनालिसिस करेंगे, उसके थ्रू हम मीन और मीडियन मोड कैसे निकाला जा सकता है, और इसमें अलग अलग टाइप्स के मेथड हो सकते हैं, उसकी चीज़ के बारे में इस चैप्टर से स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाले जो सेक्शन है, स्टैटिस्टिक्स जो इसमें आ रहा है उससे हम डील करेंगे। तो ओवरऑल जो ये तुम्हारा जो मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा, ये होगा टोटल 40 मार्क्स का होने वाला है, ये होगा 40 मार्क्स का। और ये पेपर जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्क्रिप्टिव टाइप ही होगा, पेन पेपर टेस्ट ही होगा इसका। और इसमें जो आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट के लिए एक सेक्शन दे दिया है 10 नंबर का अलग से,
तो असाइनमेंट का जो हमारा सेक्शन है इसमें आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे। पीरियोडिक टेस्ट का जो मार्क्स है ये 3 मार्क्स का होगा। पीरियोडिक टेस्ट जो आपका कंडक्ट होगा वो 20 नंबर का कंडक्ट होगा, लेकिन उसको कन्वर्ट करके 3 मार्क्स में किया जाएगा, 3 मार्क्स में। और फिर इसके साथ आपको मल्टीपल असेसमेंट दिया जाएगा। आपको बहुत सारे असेसमेंट, आपको कुछ असेसमेंट दिए जाएंगे, उनको आपको करके लाना है, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा। और स्टूडेंट अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे साथ ही साथ, और आपका मैथमेटिक्स का जो प्रैक्टिकल होगा उसका 3 मार्क्स रहेगा। तो ओवरऑल जो टर्म 2 के मार्क्स रहेंगे ये रहेंगे 50 मार्क्स के। टर्म 1 50 मार्क्स का था, और जो टर्म 2 होगा ये भी हमारा कितने होगा, 50 मार्क्स का। तो टोटल जो पेपर हो गया टर्म 1 एंड टर्म 2 मिला के, ये हमारा हो गया टोटल 100 नंबर का। तो ये था मैथमेटिक्स सिलेबस टर्म 2 के बारे में। अच्छे से पढ़िएगा और टर्म 2 के लिए अच्छे से मेहनत करिएगा। थैंक यू।